गरबा दृष्टि से संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। फैजाने सूफिया कॉन्फ्रेंस डंडई में जलसे का किया गया आयोजन। डंडई प्रखंड मुख्यालय स्थित जलसे के अवसर पर फैजाने सूफिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन मंगलवार की रात्रि में किया गया। इस अवसर पर बरेली शरीफ यूपी से सायर सलीम राजा सलीम, लखनऊ से तुफैल शमसी मुकरीर गया बिहार के मौलाना डॉक्टर जाकिर हुसैन, इलाहाबाद यूपी के मुफ्ती शाहनवाज हुसैन के द्वारा एक से बढ़कर एक नातिया कलाम पेश किया गया। वहीं सलीम रजा ने हमारे नबी की कोई क्या मिसाल पेश करे नातिया कलाम पेश कर जलसा में जुटी भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं उक्त आलिमों के द्वारा यह बताया गया कि शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। मिस्र के मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि हमारे नबी ने अपनी उम्मत और दुनिया को यह सीख दिया है कि इस्लाम धर्म प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारा का संदेश देने वाला मजहब है। वहीं उन्होंने कहा कि आज दीन राह पर चलने की सीख देने वाले मदरसे में पढ़ रहे बच्चे और जो स्कूल छात्र होते हैं, अगर उनको इंसानियत की तालीम अच्छे से दी जाए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कभी मतभेद नहीं आएगा। उन्होंने हिंदुस्तान को और देश प्रदेश के मुकाबले भाईचारा के लिए दूसरे राष्ट्र में अच्छी मिसाल के तौर पे चर्चा की जाती है। इसको बनाए रखने के लिए आप सभी हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई जिस तरह मेल मिलाप से रहते हैं, इसी के कारण हिंदुस्तान अव्वल नंबर पे नाम लिया जाता है। वहीं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक यासीन अंसारी ने कहा कि आज के दौर में दीनी तालीम जितना लड़कों को जरूरत है उतना ही जरूरी हमारी बेटियों के लिए भी है। वहीं मोकरर डंडई के मौलाना ने अपने अंदाज में मंच का संचालन करने के दौरान लोगों का दिल जीत लिया। वहीं इस दौरान सदर मदरसे के सेक्रेटरी मौलाना हाफिज कारी नेतागण के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद थे।